नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि दाल, मूंग, धूली जैसे खाद्य पदार्थों में पीले खाद्य रंग टाट्राजीन का उपयोग प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत अपराध के रूप में दंडनीय नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में अपीलकर्ता को 16 अगस्त 2011 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सिंथेटिक खाद्य रंग टाट्राजीन से लेपित 15 किलोग्राम दाल, मूंग, धूली रखने के लिए पीएफए एक्ट की धारा 16 के तहत खाद्य मिलावट के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिस पर बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 4 दिसंबर 2013 को अपील और 18 मार्च 2019 को पुनर्विचार में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली चुनौतियों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यह तर्क दिया कि दोष सिद्धि पूरी तरह से अनुचित थी, क्योंकि टाट्राजीन पीएफए रूल्स 1955 के तहत अनुमत खाद्य रंग है। अदालत ने नोट किया कि 1955 के नियम 28 में सिंथेटिक खाद्य रंग के रूप में टाट्राजीन के उपयोग की अनुमति है। यह देखते हुए अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को गलत माना गया। नियम 28 में 4 स्वीकृत खाद्य रंगों लाल, पीला, नीला और हरा के बारे में बताया गया है, जिसमें टाट्राजीन सनसेट येलो FCF भी शामिल है। नियम 29 उन खाद्य पदार्थों को सूचीबद्ध करता है जिनमें या जिन पर अनुमत खाद्य रंग लगाया जा सकता है। इस मामले में न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता की दोष सिद्धि रद्द करने का आदेश दिया। अगर आपको यह अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और फॉलो करें लाइव लॉ।